हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है चना मसाला। तो रेसिपी शुरू करते हैं। एक कप भिगोया हुआ चना, दो आलू जिसको मैंने ऐसे कट कर लिया है, तीन बड़े प्याज इसको मैंने फाइनली ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं, एक हरी मिर्च जिसको बीच से मैंने ऐसे काट लिया है, छोटा अदरक का टुकड़ा लंबे लंबे पीस में मैंने इसको काट लिया है, थोड़ा हरा धनिया इसको मैंने चॉप कर लिया है, दो टमाटर जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। मसालों में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच जीरा धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चम्मच मीट मसाला पाउडर, तीन लौंग, तीन इलायची, छोटा तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, थोड़ा सा जीरा और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, तीन बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है, उसमें तड़का डालकर तड़के को भून लेंगे। तड़का भूनने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड किया है, प्याज को अब अच्छी तरीके से भून लेंगे। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो गया तो फिर सेम प्रोसेस हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा भून लेने के बाद फिर हम इसमें टमाटर और सारे मसाले, मीट मसाला और गरम मसाला को छोड़ के सारे मसाले ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर नमक डालकर अच्छी तरीके से इसे हम भून लेंगे। मसाला भून गया है, अब हम इसमें मीट मसाला, आलू, अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च सब कुछ डालकर अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर हम इसमें चने को डालेंगे। चने को डालने के बाद हम इसको ढक करके 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में अच्छी तरीके से मसाला पकने तक पका लेंगे। सब कुछ अच्छी तरीके से पक गया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसमें गरम मसाला और धनिया की पत्ती ऐड कर हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 5 विसल यानी कि 5 सीटी तक मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। आँच विसल होने के बाद हम प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। प्रेशर निकल चुका है और ये देखिए सब्जी जो है बनके अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। ये सब्जी आपको कैसी लगी आप एक बार ट्राई कीजिए और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव मुझे ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।